बिहार नगर निकाय चुनाव दो चरण में होना था। पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को संपन्न हुआ है और इसके साथ जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। बता दें आपको कि बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं। लगातार मतगणना का काम जारी है और चुनाव नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद निकाय चुनाव में हार गई हैं। रमा निषाद हाजीपुर नगर परिषद से चुनावी मैदान में उतरी थी लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वार्ड नंबर 1 से जोशना कुमारी ने उन्हें 53 वोट से हार दिखाया है। आपको बता दें कि अजय निषाद की पत्नी और हाजीपुर नगर परिषद की पूर्व सभापति रमा निषाद वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद पर चुनावी मैदान में उतरी थी लेकिन लोगों ने उन्हें जीत नहीं दिलाई। वार्ड नंबर 1 से ज्योत्सना कुमारी ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपनी खुशी भी मीडिया के साथ शेयर किया है। पार्षद बनने के बाद ज्योत्सना कुमारी इतनी भावुक हो गई कि वे अपना आंसू नहीं रोक पाई। बहुत खुशी लग रही है। मैडम आपकी टक्कर पूर्व सभापति से थी, आपने उनको हराया, कैसा लग रहा है? जी कैसा लग रहा है? तो मैं पहले अंबर भर की खुशी मुझे मिल रही है और सभी का प्यार मिल रहा है, चाहे ऊपर वाले का पार प्यार हो या फिर नीचे वाले का प्यार हो, सभी का प्यार था, साथ था, जिसके कारण मैं आज जीत कर यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। क्या होगा इसके बाद आपका पहला? जी मेरा पहला स्टेप होगा बीपीएल वाले जो आते हैं, कुछ लोगों का कार्ड वगैरह है या फिर बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उन तक नहीं पहुँची है, यहाँ घुसखोरी नहीं होगी। अब ये सिद्ध मैं कर दूंगी, आगे मुझे 5 साल मिलेगा, ये आपको 5 साल के बाद जवाब मिल जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या? शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि मैं क्षेत्र में इसे मैं मेरे क्षेत्र में उतना नहीं आता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मोटिवेट करूँ उन्हें और मैं चाहूँगी कि अगर शिक्षा अगर आगे बढ़ता है, शिक्षित अगर लोग होते हैं तो नैतिकता आती है और समाज में लोग आगे बढ़ते हैं। वार्ड नंबर 1 से ज्योत्सना कुमारी, वार्ड नंबर 2 से ब्रह्मदेव भगत, वार्ड नंबर 3 से प्रमिला देवी, वार्ड नंबर 4 से ललिता देवी, वार्ड नंबर 6 से चंद्रावती देवी, वार्ड नंबर 7 से मनोज सिंह, वार्ड नंबर 8 से रविंद्र सिंह, वार्ड नंबर 9 से सुषमा देवी ने जीत हासिल की है। तो निश्चित तौर पर जो नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ है ऐसे में करारा झटका जो है वो अजय निषाद को मिला, क्योंकि उनकी पत्नी रमा निषाद जो कि चुनावी मैदान में थी उन्हें बेहद कम वोट से हार का जो सामना है वो करना पड़ा है। और ये चिंता वाली विषय है क्योंकि एक बड़ा प्रोफाइल अजय निषाद रखते हैं मुजफ्फरपुर में, और अगर वार्ड चुनाव में इस तरीके के चुनावी परिणाम आते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आम लोग जो हैं, जो गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, वो अजय निषाद से नाखुश हैं? क्योंकि सवाल यही खड़ा हो रहा है अगर एक सांसद की पत्नी एक छोटे स्तर का चुनाव हार जाए।